अपने जमाने में बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के रूप में घायल करने वाली जीनत अमान की लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर उन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल है। हाल ही में एक इवेंट में जीनत अमान को स्पॉट किया गया, जिसमें वो काफी अलग नजर आ रही है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता के जीवन पर बन रही बायोपिक में कंगना का नाम फाइनल हो चुका है। फिल्म का नाम थलाइवी होगा। फिल्म में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता एमजीआर की भूमिका के लिए अरविंद स्वामी का नाम सामने आ रहा है। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन के नाना और जाने माने डायरेक्टर जे ओम प्रकाश का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। जे ओम प्रकाश को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बॉलीवुड सितारे उमड़ पड़े। ऐसे में ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान भी इस दुख की घड़ी में ऋतिक के पास पहुंची। फिल्म धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का एक पुराना वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जाह्नवी कपूर बेली डांस कर रही है। इस वीडियो में जाह्नवी लव यात्री फिल्म के गाने अखलड़ जावे पर अपने डांस का जलवा बिखेरती नजर आ रही है। बाहुबली फेम एक्टर प्रभास जल्द अपनी अगली फिल्म साहू में नजर आने वाले हैं। साहू का क्लैश बॉलीवुड की कुछ फिल्मों के साथ होने वाला था, लेकिन प्रभास के कहने पर फिल्मों की तारीख को आगे बढ़ा ली गई है। ऐसे में प्रभास ने ट्वीट कर सभी का धन्यवाद किया है।